सब कुछ एकदम सही चल रहा था। आप नीचे बैठ के अपने जूते के फीते बांध रहे थे। जैसे ही आपका काम पूरा हुआ, आप एकदम से खड़े हो गए। एक मिनट, आपको चक्कर आने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में आप एकदम नॉर्मल हो गए। अभी हुआ क्या? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में मौजूद आर्टरीज के अंदर बहने वाले खून की तेजी बताता है, और जब आप ब्लड प्रेशर नपाने जाते हैं तो वो वही रीडिंग होती है कि आपका खून कितनी तेजी से आपकी आर्टरीज में बह रहा है। दिन भर में हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे सोते समय कम तो भागते समय ज्यादा। हमारे ब्लड प्रेशर का एक हद से ज्यादा या एक हद से कम होना दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है, पर हर इंसान का ब्लड प्रेशर अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो आपके लिए ज्यादा हो सकता है, और वही ब्लड प्रेशर किसी और के लिए कम भी हो सकता है। जैसे देखा जाता है कि ज्यादातर स्मोक करने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जहाँ एक तरफ ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना हाइपरटेंशन कहलाता है और इससे हमारे दिल और हमारी आर्टरीज को तकलीफ पहुंचती है, वहीं दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर का कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है और इसके कारण हमें बेहोशी और चक्कर आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अलग अलग कारणों की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी में, खून की कमी से, पानी की कमी से, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जिस लो ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो एकदम से खड़े होने से होता है, और उसे ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। जब आप बैठे होते हैं तो आपके शरीर में आपका खून अच्छे से दौड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप एकदम से खड़े होते हैं, ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से आपका कुछ खून आपके पैरों में इकट्ठा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमारा शरीर अपने दिल की धड़कन तेज करता है, हमारी नसों को कसता है ताकि ऊपर भी खून पहुंचे, खासकर दिमाग तक। लेकिन एकदम से खड़े होने की वजह से हमारे शरीर को ऐसा करने में कुछ समय लगता है, और उन्हीं कुछ सेकंड्स के लिए हमारा दिमाग चक्कर खाने लगता है। ये चक्कर आना और हमें तारे दिखना हमारे दिमाग का एक तरीका है हमें बताने का कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप कुछ ज्यादा ही तेजी से एकदम से खड़े हो रहे हैं तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये चक्कर कुछ ही सेकंड्स के लिए आते हैं, और इसमें चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। पर अगर आप नहीं चाहते कि कुछ सेकंड्स के चक्कर भी आपको आए, तो आपको अपना समय लेके आराम से खड़े होना है बस। तो आज का प्रश्न नहीं बल्कि आपका प्रश्न था। मोहम्मद मोबशीर ने हमसे कमेंट सेक्शन में मजेदार सा प्रश्न पूछा था, और आई होप मोबशीर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह के मजेदार और प्यारे प्यारे प्रश्न आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। और बहुत से लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन है ये लोग? प्लीज इसी तरह की वीडियोस अगर आपको देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स बहुत सारे कीजिए, और